हाँ जी, वेलकम टू जदेव्स एजुकेशनल हब। तो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा विलियम एम्सन को लेकर। ठीक है जी। तो विलियम एम्सन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हमारे रहने वाले हैं। इनको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम अपना ये जो आज की क्लास है वो शुरू कर सके। मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगी, 2 मिनट के बाद ये क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, और एक बार आवाज जरूर चेक कर लें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज एक बार जरूर चेक कर लें बच्चे। हाँ जी बच्चे, आवाज चेक करके एक बार बता दें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, ये जो क्लास है ये यूजीसी नेट इंग्लिश और मास्टर कैडर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो जो भी लोग यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब लोगों को आज की ये जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो जरूर देखना चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। हम डिटेल में विलियम एम्सन को डिस्कस करेंगे, किस तरह जो विलियम एम्सन है वो न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, क्या उनका कनेक्शन है, न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये चीजें डिटेल में करेंगे। उसके बाद जो विलियम एम्सन है, विलियम एम्सन का एक वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी एंड दैट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस वर्क को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज पहले ही बता देती हूँ कि ये जो राइटर है इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। एक पार्ट, एक सेशन आज होगा, कल दोबारा से एक नया सेशन हम लेकर आएंगे पार्ट 2। ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट्स में जो भी विलियम एम्सन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी उनके 7 टाइप्स की एम्बिग्विटीज है, उन सबको बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म की बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म क्या है और जो विलियम एम्सन है वो किस तरह न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। इन चीजों को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है न्यू क्रिटिसिज्म की न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये एमर्ज कब हुआ था, मतलब कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म एमर्ज इन द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी के शुरू से लेकर मिड, अर्ली से लेकर मिड के कुछ डेकेड्स थे जिसमें जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो आया था। ठीक है जी। मतलब क्या है कि कुछ एक डेकेड्स हैं जैसे 1910 से शुरू हो जाते हैं और मिड 20th तक हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो चलता है। और ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो थियोरी है, ये बेसिकली अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है जी। अमेरिका में इनको, इसको फॉलो किया जाता था। अच्छा, जो न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म से आप क्या समझते हैं। अगर आपको न्यू क्रिटिसिज्म समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो क्रिटिसिज्म हम किसको बोलते हैं, बेसिकली जब हम किसी भी राइटर के वर्क को पढ़ते हैं, किसी भी राइटर के वर्क को पढ़ने के बाद उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, उसके बारे में, वर्क के बारे में क्या हमें चीजें अच्छी लग रही हैं, जो चीजें बुरी लग रही हैं, जब हम उन दोनों चीजों को अच्छे से डिस्कस करते हैं उसको ही हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज में कंफ्यूज होते हैं थोड़े, उनको लगता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना, बट क्रिटिसिज्म का मतलब किसी चीज की बुराई करना नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप उसके अच्छे पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे,
अगर किसी वर्क में कुछ कमियां हैं, आप उन कमियों को भी जब डिस्कस करते हैं उससे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। तो ये हुआ हमारा क्रिटिसिज्म। अब इस टर्म के सामने ये जो वर्ड लगा है न्यू, इसका क्या मतलब है? जो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए हमारे, ठीक है ना, उसके बाद टीएस एलियट थे, ये सब क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। जो क्रिटिसिज्म ये लोग कर रहे थे उसमें क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, जो भी कोई राइटर होता था, जो भी कोई पोएट होता था, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर, राइटर का बैकग्राउंड, की राइटर की इंटेंशन क्या थी किसी वर्क को लिखने की, राइटर क्या बैकग्राउंड क्या है, या फिर जो वर्क लिखा गया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों के बेसिस पे किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता था। किसी भी वर्क का अगर रिव्यू करना होता था तो राइटर का जो बैकग्राउंड है या फिर वर्क का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो वर्क है वो किस टाइम से जुड़ा हुआ है, किस एज से जुड़ा हुआ है, राइट, जो वर्क है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन सब चीजों को माइंड में रखकर क्या किया जाता था, क्रिटिसिज्म किया जाता था। बट न्यू क्रिटिसिज्म में अब क्या होता है, न्यू क्रिटिसिज्म जब आया इसमें राइटर का बैकग्राउंड क्या है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, वर्क जो है जो लिखा गया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता था कि जो कोई भी वर्क है वर्क की क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस किया जाता था। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, ये न्यू क्रिटिसिज्म का मेन मोटिव था कि जब भी किसी वर्क को क्रिटिसाइज करना है, जब भी किसी वर्क का रिव्यू करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वर्क को क्लोजली स्टडी करेंगे। ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था ये बेसिकली पोइट्री के लिए था, ठीक है जी, पोइट्री को ये लोग ज्यादा माइंड में रखकर उसको एनालाइज करते थे। बेसिकली पोइट्री में ये लोग ज्यादा एनालाइज करते थे, ज्यादा उसको स्टडी करते थे, जो हमारे बाकी के प्रोज वर्क है उसमें ये चीज जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो ज्यादा अप्लाई नहीं होता था। ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था ये मेनली पोएट्री में आया था, ठीक है जी। तो ये लोग क्या करते थे, किस पोएट ने पोएम लिखी है ये वो चीज माइंड में नहीं रखते थे। जो पोएट है वो किस एज से बिलोंग करता था, न्यू क्रिटिसिज्म का उससे कोई लेना देना नहीं होता था। जो पोएम लिखी गई है उस पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस चीज से जो न्यू क्रिटिक्स होते थे उनका कोई लेना देना नहीं था। इनका मेन मोटिव क्या होता था कि ये जो है ये एक पोएम लिखी है, ये एक पेज है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो पोएम लिखी गई है ये लोग क्या करते थे, इनका जो मेन फोकस होता था वो सिर्फ इस पेपर पर होता था, ठीक है ना। ये जो पोएम लिखी गई है यही इनके लिए सब कुछ है। किसने लिखी है, किस टाइम के रिगार्डिंग लिखी गई है, कोई इनका लेना देना है ही नहीं। इस पोएम के ऊपर किस तरह की फॉर्म यूज की गई है, इस पोएम में कौन सा मीटर यूज किया गया है, इस पोएम की लैंग्वेज कैसी है, ये न्यू क्रिटिसिज्म वालों का, न्यू क्रिटिक्स का मेन कंसर्न था। मतलब क्या है कि उन्हें बैकग्राउंड से लेना देना था ही नहीं, उनका मेन मोटिव ये है कि ये जो एक पर्टिकुलरली उनके पास पेज आया है, इस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उस टेक्स्ट को ही ये लोग माइंड में रखते थे, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करते थे, अपना जो वर्क है वो स्टडी करते थे, यही इनका मेन मोटिव होता था। इस तरह की जो क्रिटिसिज्म था जो कि सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान में रखकर किया जाता था, कौन सा मीटर यूज किया गया है उस चीज को ध्यान में रखते थे, किस तरह की इमेजरी यूज की गई है उस चीज को ध्यान में रखते थे, किस तरह के मीटर इनमें यूज किए गए हैं, एलिट्रेशन यूज किया गया है, किस तरह के जो ग्लोसरी है वो यूज की गई है, इन सब चीजों को ये लोग माइंड में रखते थे। और किस तरह का फॉर्म यूज की गई है, लाइक जो पोएम है उसे पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया है, उसे सोनेट फॉर्म में लिखा गया है, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा गया, किस फॉर्म में लिखा गया है, यही इन लोगों का मेन मोटिव होता था। मतलब इनका जो मेन मोटिव है, जो मेन फोकस होता था वो सिर्फ लैंग्वेज पर होता था, जो हमारे सामने टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है सिर्फ उस टेक्स्ट पर इनका ध्यान होता था, इसके अलावा बाहर की चीजों पर इन लोगों का कोई फोकस नहीं होता था। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
थियरिस्ट है जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है आईए रिचर्ड। ठीक है जी, आईए रिचर्ड ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि वो एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनके जितने भी स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया, एक एक पोयम, एक पेज पर कुछ पोएम्स लिखी हुई थी, वो जो पोएम थी वो अपने स्टूडेंट्स में उन्होंने डिवाइड कर दी। तो वो जो पोएम है उसका पोएट कौन है, ये जो पोएट का नाम था वो पेज से मिटा दिया गया। ठीक है ना, उस शीट के ऊपर से पोएट का नाम उन्होंने हटा दिया। जब बच्चों के पास वो यू नो पोएम पहुंची तो बच्चे देखते हैं कि पोएट का नाम तो मेंशन नहीं किया गया। अब जो बच्चे हैं वो किस तरह उस वर्क को एनालाइज करेंगे, किस तरह उस पोएम को एनालाइज करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो पोएम है ये किस फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पोएम की फॉर्म देखते हैं, पोएम में कौन सा मीटर यूज किया गया है इस चीज को वो देखते हैं, पोएम की राइम स्कीम क्या है इस चीज को वो देखते हैं, पोएम में किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है इस चीज को वो स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक जो स्टूडेंट है उनके अलग अलग आंसर्स देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों को पहले ही पता होता कि ये जो पोएम है ये किसी पर्टिकुलर पोएट ने लिखी हुई है, सपोज करो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, अगर बच्चों को बता दिया जाता कि ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो बच्चों को पता होता कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते, वो बताते कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक बहुत ही अच्छे पोएट थे। ठीक है ना, वो क्या करते, अब सबको पता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो नेचर से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं उस पोएम में नेचर का कॉन्सेप्ट जो है उसको ढूंढना शुरू कर देते। ठीक है ना, यही सब कुछ तो हम करते ना अगर हमें पोएट के बारे में पता होता, पोएट का बैकग्राउंड पता होता। अब जब बच्चों को पोएट का बैकग्राउंड पता ही नहीं है, जब आईए रिचर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को पोएट का नाम बताया ही नहीं है, तो बच्चों को तो अब नहीं पता ना बच्चे के पास कितनी क्या इंफॉर्मेशन है, जो भी लाइन शीट पर लिखी हुई है उनके पास तो जस्ट वही इंफॉर्मेशन है। तो जो भी लाइन्स लिखी गई है उनको ध्यान में रखकर, उनके मीटर, उनकी लैंग्वेज, उनका जो भी यू नो उसमें जो भी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसके बेस पर बच्चों ने क्या किया, यू नो अपने अपने आंसर्स दिए। और जब आईए रिचर्ड ने उन आंसर्स को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए उनको देखकर। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट भी निकला था, यहाँ से ये चीजें फेमस भी हुई थी, यहीं से ये टर्म बनी थी न्यू क्रिटिसिज्म, कि जब हम पोएट का जो नाम है वो हटा देते हैं, जब किस एज से पोएट बिलोंग करता है इस चीज को हटा देते हैं, जब हम वर्क का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हटा देते हैं, तो किस तरह से जो पीस ऑफ पेपर हमारे पास बचता है, पीस ऑफ वर्क हमारे पास बचता है, उसके बेसिस पर जब आप किसी वर्क को एनालाइज करते हैं, इसको कहते हैं हम न्यू क्रिटिसिज्म। आई होप आपको न्यू क्रिटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि फर्स्ट यूज, सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है उसको यूज किया था जॉयल ई स्पिनग्राम ने। ठीक है जी, जॉयल ई स्पिनग्राम ने सबसे पहले इस टर्म को 1910 में यूज किया था, बट इन्होंने यूज किया और इसे छोड़ दिया। ठीक है ना, यूज किया और छोड़ दिया, अभी तक 1910 में ये जो टर्म है वो फेमस नहीं हुई थी, उन्होंने सबसे पहले इसको जस्ट यूज किया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं जॉन क्रो रैंसम, उसके बाद आते हैं जॉन क्रो रैंसम। जॉन क्रो रैंसम ने 1941 में एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म। किस क्या वर्क लिखा था, द न्यू क्रिटिसिज्म, ये वर्क लिखा था जॉन क्रो रैंसम ने 1941 में। तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज की गई है द न्यू क्रिटिसिज्म, यहाँ से जो न्यू क्रिटिसिज्म थियोरी है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ से क्या होता है कि ये जो टर्म है द न्यू क्रिटिसिज्म वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, राइट। तो अगर हम बोलेंगे कि द न्यू जो ये न्यू क्रिटिसिज्म थियोरी है इसकी, ये फेमस कहाँ से हुई, ये टर्म फेमस कहाँ से हुई, तो ये टर्म फेमस होती है जॉन क्रो रैंसम के वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म में, जो कि 1941 में आया था। ठीक है जी, अगर आता है कि किसने सबसे पहली बार इस टर्म को यूज किया था, तो वो थे हमारे जॉयल ई स्पिनग्राम, उन्होंने 1910 में इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया था। दोनों में डिफरेंस है, इन्होंने सबसे पहली बार यूज किया है,
जॉन क्रो रैंसम ने इस टर्म को फेमस किया है, सब जानने लगे थे जॉन क्रो रैंसम के वर्क से। फोकस हमने देख लिया है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले लोग हैं उनका मेन फोकस क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट पर होता था, मतलब कि वो क्लोज टेक्स्ट को क्या करते थे, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, बहुत ही क्लोजली रीड करते थे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट जो कि इस यू नो थ्योरी से बिलोंग करते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। तो वो मेन पीपल कौन कौन से हैं, मेन फिगर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं हमारे पास आई ए रिचर्ड। सबसे पहले कौन है, आई ए रिचर्ड, जिनके एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया था, एक एक पोएम जो है वो डिवाइड की थी और किस तरह बिना पोएट के नाम के उन स्टूडेंट्स ने क्या किया था, वर्क्स को रिव्यू किया था, उस पोएम को रिव्यू किया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये किया था आई ए रिचर्ड ने। सेकेंड पर्सन टी एस इलियट भी इससे बिलोंग करते हैं। इसके बाद क्लीनेथ ब्रूक हमारे पास आ गए, क्लीनेथ ब्रूक्स जो है वो भी न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट पेन वॉरेन जो है ये भी न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, और जो विलियम एम्पसन है, विलियम एम्पसन भी न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं विलियम एम्पसन को, ठीक हो गया जी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलियम एम्पसन को। अब ये जो न्यू क्रिटिसिज्म मैंने आपको डिफाइन किया है कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, तो इसको डिफाइन करने का मेन रीजन क्या था कि ये जो पर्सन है विलियम एम्पसन, एक तो ये न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करता है, सेकंड जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी। तो ये जो सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी है ये भी न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करता है। इसमें जो विलियम एम्पसन है इन्होंने डिटेल में बताया है कि जब भी एक वर्क होता है उस वर्क में किस तरह की एम्बिग्विटीज होती हैं, किस तरह की कंफ्यूजन या किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने को मिलती हैं। ये जो लोग हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इनका जो मेन फोकस होता था वो सिर्फ वर्क पर होता था, पोएट्स पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर इनका फोकस होता ही नहीं था, इनका तो मेन होता था टेक्स्ट पर। तो जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ने में किस किस तरह की एम्बिग्विटी, किस किस तरह की कंफ्यूजन, किस किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक पर्सन को फेस करना पड़ता है वो बताया है विलियम एम्पसन ने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म को पहले क्यों डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, जो विलियम एम्पसन है विलियम एम्पसन को थोड़ा थोड़ा करके रीड करना शुरू करते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके आप लोगों को विलियम एम्पसन कराया जाए, बिकॉज ये जो विलियम एम्पसन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो भी लोग इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस सेशन को जरूर देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। अब हम देखते हैं ये हमारे हो गए विलियम एम्पसन के वर्क। तो विलियम एम्पसन के जितने भी वर्क हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि विलियम एम्पसन के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो विलियम एम्पसन है वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, विलियम एम्पसन हमारे बिलोंग करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म से, ठीक है ना, ये तो आपको पहले ही पता लग चुका है। इसके अलावा कुछ और थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आपको विलियम एम्पसन के बारे में क्लियर कर देती हूँ, तो आप लोग रुकना जरा। विलियम एम्पसन के बारे में और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जो विलियम एम्पसन है ये एक लिटरेरी क्रिटिक है, एक पोएट है, ठीक है ना, ये क्या है, एक तो ये एक लिटरेरी क्रिटिक है, ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी है और पोएट भी है, ठीक हो गया जी। विलियम एम्पसन जो है वो एक लिटरेरी क्रिटिक है, एक पोएट है। तो ये जो है पर्सन जो है ये किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग of literary work, ठीक है जी। ये किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर हिज
प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, ये इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा इनके बारे में जो और पॉइंट आपको पता होने चाहिए वो ये है कि एक बहुत ही फेमस हमारे पास राइटर है जिनका नाम है फ्रैंक करमोद, ये जो राइटर है ये इनको किस नाम से बुलाते हैं, अ क्रिटिक ऑफ जीनियस के नाम से इनको बुलाते हैं। ये इनको क्या कहकर बुलाते हैं, अ क्रिटिक ऑफ जीनियस कहकर बुलाते हैं। सो फ्रैंक करमोद इनको क्या कहकर बुलाते हैं, अ क्रिटिक ऑफ जीनियस कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा जो एम्सन है उन्होंने खुद भी अपने आप को एक फ्रेज दिया था, एम्सन हिमसेल्फ गॉट अ फ्रेज। तो इन्होंने अपने आप को क्या फ्रेज दिया था, इन्होंने दिया था लाइसेंस्ड ये अपने आप को कहते थे लाइसेंस्ड बफून, ठीक है जी, ये अपने आप को क्या बोलते थे, लाइसेंस्ड बफून बोलते थे, ठीक हो गया जी। एम्सन जो है उन्होंने अपने आप को एक फ्रेज दिया था, ये अपने आप को लाइसेंस बफन के नाम से बुलाते थे। बफन होता है क्लाउन, ठीक है जी, बफन क्या होता है, क्लाउन होता है, क्लाउन हो गया या फिर जिसको हम जोकर भी बोल देते हैं उसको बोलते हैं बफन। तो ये अपने आप को लाइसेंस बफन के नाम से बुलाते थे, ठीक है जी। इसके अलावा इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। एंड ये किस चीज में कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिस्ट में, एंड कन्वर्टेड इनटू बुद्धिस्ट, और एक बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है जी। ये क्रिश्चियनिटी को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और ये बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट बन गए थे। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताया है। लाइफ के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी नहीं है। इनके मेनली आपको वर्क्स पता होने चाहिए कि इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में है वो है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। जो विलियम एम्सन है वो अपने इसी वर्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो अभी हम इनके वर्क्स के नाम देख लेते हैं। कल का जो हमारा सेशन होगा, कल के सेशन में जो भी सेवन टाइप की एम्बिग्विटीज हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। कल का जो सेशन है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। हाँ जी, क्या आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? हाँ जी बच्चा, आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ जी लवप्रीत, आवाज क्लियर है कि नहीं अभी? हाँ जी, आवाज एक बार चेक कर लें क्या आवाज क्लियर है या नहीं है। हाँ जी, आवाज एक बार देखें भाई, आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही। हाँ जी, अभी चेक करें, अभी ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। आई होप क्लियर ही होगी आवाज, अभी रिकनेक्ट कर लिया हमने, अभी क्लियर ही होगी। अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये सब इनकी लाइफ के बारे में था। लाइफ के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, इनकी लाइफ से जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क है जिसका नाम है सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। सो सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी ये जो वर्क है इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको हम देखेंगे डिटेल में कल की वीडियो में। आज हम देख लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स, कि इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक हो गया जी, इनके ये इनकी लिस्ट रही इंपॉर्टेंट वर्क्स की। तो सबसे पहले जो वर्क है दैट इज सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। जैसा कि पहले भी आपको बताया है, ये इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आपने किसी वर्क पर फोकस करना है तो वो है इनका सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वर्क जो है वो है फेस ऑफ द बुद्धा। ठीक हो गया जी, सेकेंड वर्क का नाम क्या है? फेस ऑफ द बुद्धा। थर्ड वर्क है सम वर्जन्स ऑफ पास्टोरल। ठीक हो गया जी, थर्ड कौन सा वर्क है? सम वर्जन्स ऑफ पास्टोरल। देन है हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। नेक्स्ट वर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वर्क है कलेक्टेड पोएम्स। जो कलेक्टेड पोएम्स है इसकी थ्री वॉल्यूम्स आई थी। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1956 में पब्लिश हुआ था, जो सेकेंड एडिशन है वो हमारा 1962 में पब्लिश हुआ है, और जो थर्ड एडिशन है वो है हमारा 1984 में। ये तीन अलग अलग इसके एडिशन आए थे कलेक्टेड पोएम्स के। ठीक हो गया जी, इसके बाद इनका एक वर्क है मिल्टन्स गॉड, जो कि 1961 में आया है। ये भी आपका ठीक है, इसको भी आप पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्क कौन सा है? यूजिंग बायोग्राफी हमारा नेक्स्ट वर्क है। देन है हमारे पास एसेज ऑन शेक्सपियर। ठीक हो गया जी, एसेज ऑन शेक्सपियर। देन है हमारे पास फोस्टर्स एंड द सेंसर। नेक्स्ट वर्क है फोस्टर्स एंड द सेंसर। इसके बाद जो टेंथ वर्क है वो है एसेज ऑन रेनेसां लिटरेचर वॉल्यूम वन। ठीक हो गया कि एसेज ऑन रेनेसां लिटरेचर वॉल्यूम वन। आगे है डन एंड न्यू फिलोसफी। ये जो वर्क है ये 1993 में आया है। ये एक वर्क का नाम है एसेज ऑन रेनेसां लिटरेचर वॉल्यूम वन डन एंड न्यू फिलोसफी। ये जो वर्क है ये आया था 1993 में। देन है हमारे पास Essays on Renaissance Literature Volume 2, The Drama, ये आया था 1994 में। ठीक है जी, Essays on Renaissance Literature Volume 2, The Drama, 1994। Next work है Argufying Essays, यहाँ हाँ Argufying, ये इसका सब टाइटल है Essays of Literature and Culture। क्या है वर्क का नाम? Argufying Essays on Literature and Culture। अच्छा, इस तरह के ये जो वर्क होते हैं इन पर एक क्वेश्चन बनता है, आपके पास आ जाएगा कि आर्ग्यूफाइंग अ वर्क ऑफ विलियम एम्सन, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क। ठीक है ना, कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ आर्ग्यूफाइंग रिटन बाय विलियम एम्सन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सब टाइटल है वो है एसेज ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है जी, सब टाइटल क्या है? एसेज ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। So, ये इसका सब टाइटल है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वर्क है हमारा द रॉयल बीस्ट एंड अदर वर्क्स। कौन सा है? द रॉयल बीस्ट एंड अदर वर्क्स। देन है हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर इज श्रू। ठीक हो गया जी, द स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर इज श्रू। इसका सब टाइटल क्या है? एसेज मेमोर्स एंड इंटरव्यू, ये इसका सब टाइटल है। अगेन मैं वर्क का नाम बता देती हूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर इज श्रू। इसका सब टाइटल हो गया एसेज मेमोर्स एंड इंटरव्यू। सो इनका जो लास्ट वर्क है वो है हमारे पास द गैदरिंग स्टॉर्म। ये इनका लास्ट वर्क है द गैदरिंग स्टॉर्म। अच्छा, ये तो मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी है कि विलियम एम्सन के कौन कौन से वर्क है जो कि हमें पता होने चाहिए, जिनके नेम पता होने चाहिए। ये जितने भी वर्क्स मैंने बताए हैं
सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी को छोड़कर, इनके अगर आप वर्क्स के नाम भी पता कर लेंगे दैट इज मोर देन इनफ। बाकी वर्क्स को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट जो एक वर्क है जो कि है हमारा सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आज तक विलियम एम्सन पर जब भी क्वेश्चन आया है तो वो आया है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी जो वर्क है वो किसका लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्क है ये विलियम एम्सन ने लिखा था। अब तो इनके जो आगे टाइप्स है ना एम्बिग्विटी की, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन सी टाइप्स है, क्या क्या उनमें होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो चीजें आप तक जरूर पहुंची होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, आपको कोई चीज नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो कल नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन्स होंगी, वो हम कल के सेशन में आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। और अगर आपको ये आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो भी लोग देख रहे हैं वो इसको लाइक जरूर करके जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।